ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट आज पेश होने वाली है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह सर्वे रिपोर्ट सेशन कोर्ट के सामने रखेंगे। इस रिपोर्ट में 14, 15, 16 मई को की गई सर्वे रिपोर्ट पर तथ्य होंगे, जिसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सेशन कोर्ट के सामने रखी जाएगी। आपको बता दें कि पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को इस गवाही से हटा दिया गया था, जिसके बाद नियुक्त नए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था, जो आज पूरा हो रहा है। तो आपको बता दें कि आज कोर्ट कमिश्नर पेश करेंगे सर्वे की रिपोर्ट, और ये सर्वे रिपोर्ट जो है दोपहर को पेश की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि आज कोर्ट कमिश्नर जो है वो विशाल सिंह रिपोर्ट पेश करेंगे, जो 14, 15 और 16 मई को सर्वे हुआ है, 3 दिन की रिपोर्ट आज कोर्ट में दाखिल की जाएगी। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में। कोर्ट कमिश्नर आज जो है वो रिपोर्ट 3 दिन की पेश करने वाले हैं, कब तक वो रिपोर्ट पेश करेंगे, क्या कुछ उस रिपोर्ट में होगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? पंकज, आवाज मिल रही है आपको? पंकज, आपका लगता है कि म्यूट हुआ है, इसीलिए आप एक बार उसकी आवाज खोल दीजिए तो आपकी आवाज हम तक सही तरह पहुंच पाए। पंकज, आपकी आवाज। विशाल सिंह स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं जी, जी, और उनके जो सहायक जी जी स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और उनके जो सहायक कोर्ट कमिश्नर हैं अजय प्रताप सिंह, ये 12 से 2 के बीच में आज जो है रिपोर्ट जो है प्रोड्यूस करेंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में, जहां पे ये पूरा मामला चल रहा है। कल की बात करूं तो कल देखिए, कल जो 6 और 7 की जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी, उसकी रिपोर्ट जो उस समय के कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उन्होंने कल शाम को देर शाम को जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की है। तो उसमें 2 पन्ने की उनकी रिपोर्ट है, और हालांकि जो विशाल सिंह आज रिपोर्ट जो पेश करेंगे उसमें लगभग 10 घंटे से ज्यादा की वीडियोग्राफी है और 1000 से ज्यादा जो फोटोग्राफ्स हैं। तो हालांकि देखिए, कुछ विस्तृत बताने से उन्होंने इनकार कर दिया ऑफ द कैमरा, उन्होंने कहा भाई ये गोपनीयता वाली बात है, क्योंकि गोपनीयता भंग करने के आरोप में ही अजय मिश्रा को कार्यमुक्त किया गया था, पक्षपात का तमाम उनके ऊपर आरोप लगा था। तो इसलिए विशाल सिंह ने जो बताया कि 12 से 2 के बीच में हम लोग जो है कोर्ट में ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे रवि कुमार दिवाकर की अदालत में। तो आज का दिन देखिए बेहद अहम है, क्योंकि जो महिला याचिकाकर्ता है उनका भी ये कहना है, उनकी भी एक जो याचिका उस पर भी आज सुनवाई होनी है। उनका कहना है कि जो नंदी के सामने वाली जो दीवाल है, जो कक्ष है, उसमें से मलबा हटाया जाए, सीमेंट जो भरा गया वो हटाया जाए, और वहां भी उसकी भी सर्वे हो, उसकी भी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, तो तथ्य और खुल के सामने आएंगे। वही अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने जो है आज जो है आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है, तो उस पर भी आज जो है न्यायालय सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिलर सिविल की बात करूं हरिशंकर पांडे की, तो उन्होंने भी जो है कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी, अदालत को पुनर्विचार करने के लिए कहा था, कि जिस तरीके से जो यहां पे शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है जी। दूसरी तरफ जो मधु खाने को सील किया गया है, तो उसके लिए भी कुछ
कृत्रिम व्यवस्था, जो वजू खाने को सील किया गया है तो उसके लिए भी कुछ कृत्रिम व्यवस्था करने की बात कही गई थी डीजीसी के द्वारा। तो इन सब पे देखिए आज जो ये जो दो मुख्य मुद्दे हैं इस पे याचिका जो पड़ी है वो उस पे सुनवाई करेगी माननीय अदालत, और उसके बाद जो विशाल सिंह जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं वो जो आज 12 से 2 में रोड रिपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दो चीज जो महत्वपूर्ण है और आज का दिन बेहद अहम होगा कि अब देखना अदालत इस पे क्या निर्णय लेती है, अगला क्या ऑर्डर करती है। जी जिस वक्त कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, पंकज जाना चाहेंगे उस वक्त कोर्ट में किन किन लोगों को रहने की इजाजत है, क्योंकि जिस टाइम सर्वे की टीम गई थी 50 से ज्यादा लोग उसमें शामिल थे। अब हालांकि अगर बात करते हैं अजय मिश्रा को हटा दिया गया है, तो कितने लोग और कौन कौन से जो लोग हैं वहां पर कोर्ट में जाने की उनको इजाजत मिली है? देखिए बताना चाहेंगे निश्चित तौर पे जो 5 महिला याचिकाकर्ता हैं वो रहेंगी, और 5 में से 4 रहेंगी क्योंकि राखी सिंह यहाँ पे नहीं है, 5 में से 4 जो सीता साहू की बात कर ले या मंजू व्यास की बात कर ले, रेखा पाठक की बात कर ले, इस तरह से एक लक्ष्मी देवी हैं वो उनकी बात कर ले, तो 4 महिला याचिकाकर्ता रहेंगी, उनके जो अधिवक्ता रहेंगे अधिवक्ता के सहयोगी रहेंगे, साथ ही जो कोर्ट कमीशन की जो टीम गई थी जिसे कोर्ट कमिश्नर हैं सहायक स्पेशल कोर्ट कमिश्नर और सहायक स्पेशल कोर्ट कमिश्नर वो रहेंगे, उनके सहायक लोग रहेंगे, और जो प्रतिवादी पक्ष से मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष से जो उनके अधिवक्ता रहेंगे, तो इस तरीके से इतने लोग रहेंगे। और मीडिया को काफी दूर रखा गया है, आपको बता दूं कल मीडिया को कचहरी परिसर से ही बाहर कर दिया गया था, गेट के बाहर कर दिया था, उस प्रीमिसेस से बाहर कर दिया गया था, और आज भी वैसी व्यवस्था रहने वाली है। जी पंकज एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब ये सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी उसके अलावा बात करें तो अलग अलग पक्षों की तरफ से भी और याचिकाएं जाने की संभावना है, याचिकाएं जा सकती हैं वाराणसी कोर्ट में। चाहे हिंदू पक्ष की हम बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अब जो है नीचे खुदाई करने के लिए जो है परमिशन दी जाए, और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष जो है वो भी अपना कहीं ना कहीं जो है विरोध दर्ज करा सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं। तो किस तरह की याचिकाएं जो है वो कोर्ट में आज दाखिल हो सकती हैं वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की ओर से? दर्ज कराने के लिए हो सकता है, उसके कोर्ट उससे कुछ रजामंदी भी दिखा सकता है। और रही बात वादी की, तो वादी पक्ष कहता आया है कि जो नंदी के सामने वाली दीवार है वहां पे दीवार गिराया जाए, क्योंकि उसको सीमेंट से और उससे मलबे से ढका गया है, उसको हटा के उसकी फिर से वीडियोग्राफी कराई जाए, और इसकी याचिका परसों ही डाली गई थी, तो उस पर भी आज कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ऐसा मैंने बताया कि आज का दिन बेहद अहम होगा, अब देखना है अदालत उससे क्या ऑर्डर करता है। जी पंकज आपके पास अपडेट के लिए फिर आएंगे, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।